यूपी चुनाव का छठा चरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ में होगा। ये पहला मौका है जब योगी खुद विधानसभा के चुनाव मैदान में हैं, तो प्रदेश के सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं। बीजेपी के दिग्गज नेताओं को योगी पर पूरा भरोसा है कि वो इस बार अपने गढ़ को बहकाने में कामयाब होंगे। मोदी का यही भरोसा योगी की चिंताएं बढ़ा रहा है। योगी के लिए 2017 का प्रदर्शन दोहराना बड़ी चुनौती है, क्योंकि अब हालात पिछले चुनाव जैसे नहीं है। छठे चरण में 3 मार्च को होने वाले मतदान में क्षेत्र के 10 जिलों की 57 सीटों का फैसला होगा। पूरे देश की नजरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर लगी हुई है, जो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और भाजपा छोड़ सपा में गए स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी लोगों की निगाहें टिकी हैं। पिछले चुनाव में भाजपा ने यहां पर 57 में से 46 सीटें जीतकर बड़ी सफलता हासिल की थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 5 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। बाकी दोनों चरण प्रदेश के पूर्वांचल में है, जो कभी सपा और बसपा का प्रभाव क्षेत्र हुआ करता था, मगर पिछले चुनाव में भाजपा ने अन्य क्षेत्रों की तरह यहां पर भी सपा और बसपा को पीछे छोड़कर अपनी जड़ें जमा ली थी। अब भाजपा के सामने अपनी इस सफलता को बरकरार रखने की बड़ी चुनौती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चुनाव मैदान में होने से छठा चरण काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। योगी पहली बार विधानसभा का चुनाव गोरखपुर सदर सीट से लड़ रहे हैं। इससे पहले वो लोकसभा सांसद रहे और सीएम बनने के बाद उन्होंने सदन में जाने के लिए विधान परिषद का रास्ता चुना था। ऐसे में योगी के लिए अपनी खुद की सीट जीतने से ज्यादा चुनौती इस पूरे क्षेत्र में भाजपा को पिछली बार से भी ज्यादा बड़ी जीत दिलाने की होगी। इसके अलावा भाजपा से सपा में गए स्वामी प्रसाद मौर्य और इस क्षेत्र से कांग्रेस के इकलौते विधायक व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी चुनाव मैदान में हैं। वो 2 बार के विधायक हैं और उनके सामने अपनी हैट्रिक बनाने का मौका है। छठे चरण के मतदान वाले क्षेत्र में इस बार सामाजिक राजनीतिक समीकरण बदले हुए हैं। पिछली बार भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले सुहेल देव, भारत समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर अब सपा के साथ खड़े हुए हैं। हालांकि भाजपा ने निषाद पार्टी के संजय निषाद को अपने साथ जोड़ रखा है। अपना दल पहले की तरह भाजपा के साथ मैदान में है। इस क्षेत्र में कांग्रेस के बड़े नेता रहे आरपीएन सिंह के भाजपा में शामिल होने से भी भाजपा ने अपनी स्थिति बेहतर की है। 2017 के चुनाव में इस क्षेत्र की 57 सीटों में से भाजपा ने 46 सीटें जीती थी, जबकि उसके सहयोगी अपना दल व सुहेल देव भारत समाज पार्टी को एक एक ही सीट मिली थी। सपा 2 और बसपा 5 सीटें ही जीत पाई थी। एक सीट पर कांग्रेस का उम्मीदवार जीता था। पब्लिक न्यूज डेस्क। नमस्कार, मैं हूं देवकीनंदन मिश्रा, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, एक बात और, हमारे इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालते हैं सबसे पहले आप तक वो पहुंचे।